जोजो किड्स। एक बड़े से अमरूद के पेड़ पर गोरैया चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती थी। एक एक करके चिड़िया के अंडे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश थी। उसके प्यारे प्यारे चूजे उसे और प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना लेने जाती और शाम को बड़े प्यार से वह खाना उन्हें खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और वह अपने लिए खाना भी ढूंढने लगे। कई दिन बीत जाने के बाद भी एक अंडे में से चूजा अभी तक बाहर नहीं निकला था। चिड़िया को इस बात से बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। बहन कोयल, बहुत दिनों से मेरे अंडे बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक अंडे में से चूजा बाहर नहीं आया। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सुना बहन। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं। उनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। चिड़िया और कोयल स्वामी जी के पास मिलने पहुँचे। नमस्ते स्वामी जी, आप कैसे हैं? क्या बात है, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया सारी बात स्वामी जी को बताती है। अच्छा तो ये बात है, चलो मैं चलकर देखता हूँ। चिड़िया कोयल और स्वामी जी घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे ये क्या, ये कोई अंडा नहीं है। तुम्हें अपने अंडे को पहचानने में जरूर कोई भूल हुई है। मुझे लगता है यह एक खिलौना है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को इससे खेलते हुए देखा है। मेरा भरोसा करो और इसे एक बार नीचे फेंक कर देखो। नहीं नहीं स्वामी जी, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो, ये एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल पर पत्थर रखकर स्वामी जी की बात को मान लिया। स्वामी ने अंडे को लिया और जमीन पर जोर से फेंका। अंडा फूटा नहीं बल्कि वह टप्पा खाने लगा जैसे कोई गेंद हो। सच में वो एक खिलौना, एक गेंद ही थी। यह देखकर सभी हंसने लगे। एक घने जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। एक दिन कालू जब भोजन की तलाश में गया तो पीछे से सांप ने उसके अंडों को खा लिया। जब कौवा वापस अपने घोंसले में आया तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत उदास हो गया। कौवे को सांप पर शक भी हुआ और उसने फिर सांप से पूछा, भाई सांप, क्या तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ आते देखा? किसी ने मेरे अंडों को खा लिया है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे किसने खाए। कुछ समय बाद फिर से ऐसा ही हुआ, पर इस बार कौवे ने सांप को अपने अंडे खाते हुए पकड़ लिया। अच्छा अब समझ आया, तुम ही मेरे अंडों को खा जाते हो। मुझे तुम पर पहले ही शक था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडों को खा गए? मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने तुम्हारे अंडों को खा लिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर सांप अपने बिल में चला गया। कालू बहुत उदास हो गया और उसने सांप से बदला लेने की सोची। फिर वह उड़ता हुआ राजा के महल की तरफ चला गया। तभी उसकी नजर महारानी पर पड़ी जो तालाब में स्नान कर रही थी। महारानी के कीमती जेवर तालाब के किनारे पड़े थे जिनकी निगरानी उनके सिपाही कर रहे थे। कालू कौवे को एक उपाय सूझा। वह एक लंबा सा हार अपनी चोंच में फंसाकर उड़ने लगा। सभी सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कालू ने चालाकी से उस हार को सांप के बिल में डाल दिया।
जब सैनिकों ने बिल में डंडा मारा तब बाहर निकला सांप जिसके गले में महारानी का हार था। सैनिकों ने पीट पीट कर सांप को जान से मार दिया और हार ले लिया। इसी तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला ले लिया। ये बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक ताकतवर शेर आया। वह अपनी मर्जी से जब चाहता किसी भी जानवर को पकड़कर मार डालता और खा जाता। धीरे धीरे जानवर जंगल में कम होने लगे। इस बात से परेशान होकर सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया और शेर से मिलने पहुंच गए। वहां पहुंचकर सभी जानवरों ने अपनी बात शेर के सामने रखी। हाथी बोला, जंगल के हम सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय? हम में से हर रोज एक जानवर आपका भोजन बनकर आएगा। आपको शिकार ढूंढना नहीं पड़ेगा। अरे, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? कैसे विश्वास करूं? ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में हम सब मर जाएंगे। जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। आप तो राजा हैं, हमें सेवा का मौका दे दीजिए। ठीक है, लेकिन समय से हर रोज भोजन भेजना ही होगा, वरना। अब हर रोज एक जानवर भोजन बनकर जाने लगा। एक दिन चालाक खरगोश की बारी आई। खरगोश नियमित समय पर नहीं गया। उसके दिमाग में एक उपाय चल रहा था जिसके चलते वह देरी से गया। जब वह वहां पहुंचा, शेर बहुत गुस्से में था। इतनी देर कैसे हो गई? तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें खाने से तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। मेरे साथ एक और जानवर भी आया था राजा जी, लेकिन उसे रास्ते में एक और शेर ने खा लिया। इस जंगल में मुझसे बलवान शेर, मुझे दिखाओ किसने मेरे भोजन पर अपना अधिकार किया। महाराज, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, चलिए। खरगोश शेर को जंगल में कुएं के पास ले गया। महाराज, वो शेर इसी कुएं के अंदर छिपा है। शेर ने उस कुएं में झांका, वहां उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा। शेर दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया। कुएं से बाहर ना निकल पाने के कारण बेचारा शेर वहीं मर गया। अब सभी जानवर खरगोश की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। खरगोश की चतुराई से सभी जानवरों की जान बच गई थी और वे सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वो रंग बिरंगी सुंदर सुंदर टोपियां बनाया करता था और उन्हें बाजार में जाकर बेच देता था। उसकी सुंदर सुंदर टोपियां सभी को बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन राजू जब टोपियां बेचने बाजार जाने लगा, रास्ते में उसे बहुत तेज भूख लगी तो वह खाना खाने के लिए एक घने आम के पेड़ की छांव में बैठ गया। बड़ी तेज धूप है, क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ और खाना भी खा लेता हूँ। थका हारा राजू पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी घने पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदरों की टोली थी जो बहुत शैतान थे। जब बंदरों ने देखा राजू टोपी वाले की आंख लग गई है और वह सो गया है, तभी सारे शैतान बंदर पेड़ से नीचे उतरकर टोपियों के साथ खेलने लगे। बेचारा राजू इस बात से अनजान था और आराम से सो रहा था। तभी वहां से एक और व्यापारी निकला जो कपड़े बेचता था। वह बंदरों को देखकर समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। थोड़ी और पास आने पर उसने राजू टोपी वाले को सोते देखा और उसे उठाने लगा।
अरे ओ टोपी वाले भैया, जल्दी उठो, देखो बंदर तुम्हारी सारी टोपियां ले जा रहे हैं, जल्दी उठो जल्दी उठो। क्या? अरे 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 मेरी टोपी, भाई तुम ही कुछ मदद करो ना। व्यापारी बहुत होशियार था, उसने राजू की मदद करने की सोची। अचानक व्यापारी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सभी बंदरों का ध्यान व्यापारी की तरफ चला गया और वे सब जोर जोर से हंसने लगे। व्यापारी समझ गया कि बंदर उसकी नकल कर रहे हैं। तभी व्यापारी ने अपनी और राजू की टोपी जमीन पर फेंक दी। सभी बंदरों ने वैसा ही किया जैसा व्यापारी ने किया था, एक दूसरे की टोपी उतार कर जमीन पर फेंक दी और इस तरह टोपी वाले राजू को अपनी सारी टोपियां वापस मिल गई और बंदर व्यापारी के साथ जोर जोर से हंसने लगे। दो बकरियां। एक बार की बात है, रतन नाम का एक चरवाहा अपनी बकरियों को नदी किनारे घास चराने ले गया। रतन नदी किनारे पेड़ की छांव में सुस्ताने लगा और दोनों बकरियां घास चरने लगी। अचानक पहली बकरी को नदी की दूसरी तरफ हरी हरी घास दिखाई दी। अरे वाह, उस पार तो इतनी सुंदर घास, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगी, मैं उस पार जाकर इसे खा लेती हूँ। मैं पर कैसे? तभी बकरी की नजर एक पेड़ पर गई जो बहुत लंबा था और किसी कारण से गिर गया था और नदी के उस पार तक जुड़ गया था, जैसे कोई पुल हो। बकरी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि मैं इस पेड़ के सहारे उस किनारे तक पहुंच सकती हूँ। बकरी पुल पर चढ़ने लगी, तभी उसकी नजर एक और बकरी पर पड़ी जो उसी पेड़ के सहारे उस पार आना चाहती थी। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, मुझे नदी पार करनी है। मैं तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो, दूसरी बकरी ने कहा। पहले तो मैं इस पर आई हूँ, पहले मैं पार करूंगी। मैं दोनों बकरियां आपस में झगड़ने लगी। पहली बकरी समझदार थी, उसने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मगर नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मुझे टाप कर नदी की दूसरी तरफ जा सकती हो। मैं झगड़ा कर कोई फायदा नहीं। दूसरी बकरी मान गई और पहली बकरी के झुकते ही वह टाप कर नदी के दूसरी तरफ चली गई। दोनों बकरियों ने नदी पार कर ली और एक दूसरे को शुक्रिया अदा किया। हमेशा लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से हल निकाला जा सकता है। हेलो बच्चों, आज मैं आपको सोने की अंडा देने वाली एक मुर्गी की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक आदमी था और वो अंडे का व्यापार करता था। उसके पास एक बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म भी था। उसमें बहुत सारे मुर्गियां थे। हर दिन वो आदमी पोल्ट्री फार्म में आकर सब मुर्गियों का देखभाल करता था और जो भी अंडे आते थे उसको मार्केट में बेचकर आता था। एक दिन वो सड़क पे जा रहा था और एक मुर्गी को देखा। वह मुर्गी बहुत प्यासी और भूखी थी। उस मुर्गी को उठाकर घर लेके आ गया और उस मुर्गी को बहुत प्यार से पालने लगा। धीरे धीरे उस मुर्गी तंदुरुस्त बन गई और वो आदमी उस मुर्गी की बहुत ख्याल रखने लगा। हर दिन की तरह वो अपने फार्म पे आया और वो मुर्गी के दिए हुए अंडे को देखकर चौंक गया। वहाँ पर एक सोने का अंडा था। अरे ये क्या है, ये तो सोने का अंडा लग रहा है। हाँ ये सोना का ही अंडा है, मेरी तो किस्मत निकल पड़ी, अब मजा आएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। उस दिन के बाद हर रोज वो मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी। उस अंडे को लेकर वो आदमी सब जरूरत की चीजें खरीदने लगा। कुछ ही दिन में वो गाड़ियाँ, एक बड़ा सा मकान और बहुत सारे गाय और बैल भी खरीद लिया। एक महीने के बाद उसको घर में खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इतने में
उसके मन में लालच की वजह से एक बुरी ख्याल आया। वो उस गांव में और सारे दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनने की सोच में पड़ गया। अगले दिन वह फार्म में जाकर देखा तो एक ही सोने का अंडा दिखाई दिया। तब तक उसका मन लालच से भर गया था। ये रोज रोज एक अंडे को लेकर सबसे अमीर आदमी नहीं बन सकता। क्यों ना आज मैं इस मुर्गी को काट कर सब अंडे एक ही बार निकाल देता हूँ और इस दुनिया में बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँ। और वो आदमी लालची से उस मुर्गी की पेट काट डाला। काट के देखा तो उसमें कोई भी अंडा नहीं था। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस मुर्गी के पेट में एक भी अंडा नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरी लालची की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच की वजह से हमेशा नुकसान ही होता है। एक जंगल में बहुत खतरनाक शेर रहता था, क्योंकि वो जंगल का राजा था और बहुत खतरनाक भी। इसीलिए सभी उससे बहुत डरते थे। वो जब चाहता किसी भी जंगल के जानवर को खा जाता, सिवाय चार दोस्त गायों को छोड़कर। चारों गायें बहुत ताकतवर थी, क्योंकि वे हमेशा ही साथ साथ रहती थी। कब तक बचेंगी ये मुझसे? एक ना एक दिन तो मैं इन्हें खा ही जाऊंगा। जब तक ये चारों साथ हैं, बस तभी तक सुरक्षित हैं। एक दिन चारों गाय आपस में झगड़ने लगी। पहली बोली, बस अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी गाय बोली, तो तुम चली जाओ यहाँ से, मना किसने किया है? तीसरी ने कहा, तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो। तीनों की बातें सुन चौथी गाय भी गुस्सा गया और वह बोली, ठीक है, झगड़ो मत, आज से हम सब अलग अलग रहेंगे। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। अब इन्हें मेरा खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। इनकी एकता ही इनकी ताकत थी और इन बेवकूफों ने अपनी ही बलि चढ़ा दी। और इस मौके का शेर ने पूरा पूरा और एक एक करके चारों को अपना भोजन बना लिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। Please subscribe.